आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो टॉपिक है आपकी कोर्स आउटलाइन में है, ये पहले चैप्टर के अंदर से है। और पहला चैप्टर चूँकि हमने उसका इंट्रोडक्शन पहला लेक्चर में डिस्कस किया था, आज हमारा दूसरा लेक्चर है, उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के ये वाले जो कोर्स ऑनलाइन से टॉपिक लिया हुआ है, सबसे पहले जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पाया जाता है। दे आर मैनी डिफरेंट एग्जाम्पल टू प्रूव दिस फिनोमिना। इस फिनोमिना को हम डिफरेंट एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव अ कम्ब ओवर आर टॉवल। एक हमारे पास कम्ब है और इसको हमने टॉवल से रब किया हुआ है, और रब करने के बाद हमने पढ़ा था कि जैसे इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जब इस चार्ज रब को चार्ज कम्ब को हम अपने हेयर के पास लेके आते हैं, तो हेयर्स और कम्ब के दरमियान एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स हैं वो कम्ब की तरफ जो है वो मूव करके जाएंगे। तो ये ड्यू टू प्रोड्यूसिंग चार्ज जो है ना, ये चार्ज के प्रोड्यूस होने की वजह से होता है। जैसे कि कम्ब के ऊपर लेट अस कंसीडर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे हेयर्स के ऊपर जितना कम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना कम्ब के ऊपर चार्ज है, उतना ही अपोजिट चार्ज हमारे हेयर्स के ऊपर आ जाएगा। तो अगर लेट करें कि कम्ब के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज हमारे हेयर्स के ऊपर आ जाएगा, और अगर कम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज हमारे हेयर्स के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट लिया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज कम्ब के ऊपर है, उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है हमारे हेयर्स के ऊपर है। तो ये अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट लिया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है विच इज़ अ वाइटल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन, अ पेयर ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हमारे पास पेयर ऑफ अ चार्ज हो, पेयर ऑफ चार्ज यहाँ पे शो, मैंने डायग्राम में इसको शो किया हुआ है, ये हमारे पास पेयर ऑफ चार्ज है। एक इसमें से नेगेटिव चार्ज है, दूसरा इसमें से पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों को हमने सेपरेट किया हुआ है एक कांस्टेंट डिस्टेंस से। यहाँ पे जो वर्ड यूज़, यहाँ पे डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट डिस्टेंस हमने यहाँ पे इस वजह से कहा कि डाइपोल हमारा उस वक्त बनेगा जब दोनों चार्जेस के दरमियान ये कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। लेट अस कंसीडर अगर ये पेयर ऑफ अ चार्ज मूव करके यहाँ से कहीं और भी चले जाते हैं, तो अगर इनके दरमियान ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो तभी हम इसको जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अब ये भी हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाइब्रेट करके थोड़ा सा दूर यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाए, तो तब ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस वक्त हम इसको डाइपोल नहीं बोलेंगे। डाइपोल सिर्फ उसी वक्त इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल जब ये दोनों चार्जेस हमारे पास जो पेयर ऑफ चार्ज है ये अपोजिट चार्जेस हों, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना इसका उतना ही इसका हो, और इसको कांस्टेंट डिस्टेंस से सेपरेट किया हो, तभी हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे जो एक मेजर इसकी एग्जांपल है वो है वाटर मॉलिक्यूल एज अ डाइपोल। वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी लाइक अ डाइपोल होते हैं। इसमें अगर वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 3 एटम्स हैं, 2 एटम हाइड्रोजन है एंड 1 एटम ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो द सेंटर ऑफ अ पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड नेगेटिव ऑक्सीजन चार्ज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लाई एट डिफरेंट पॉइंट्स, हेंस इट पोजेसिस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। हमारे पास यहाँ पे जो इसकी डायग्राम भी ये शो करवाई हुई है,
कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इसके ऊपर नेगेटिव टू चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर। हाइड्रोजन एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इस एटम के ऊपर प्लस वन चार्ज ये है, प्लस वन चार्ज ये है। तो ये हमारे पास जो है वो इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आप ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज जो है और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इसको कांस्टेंट डिस्टेंस से हमने जो है वो सेपरेट किया हुआ है। अगर आप यहाँ से इनकी बॉन्ड लेंथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज़ 0.958 मल्टीप्लाई 10^-10 मीटर। तो ये इन दोनों के दरमियान एक कांस्टेंट सेपरेशन है, कांस्टेंट डिस्टेंस है। एक डाइपोल ये है जबकि दूसरा डाइपोल जो है हमारे पास ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उतना ही हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसको भी कांस्टेंट डिस्टेंस, इसकी भी बॉन्ड लेंथ उतनी है जितनी के इसकी बॉन्ड लेंथ है। दोनों जो डाइपोल हैं इनके दरमियान एंगल 104.8 डिग्री होता है। और अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी डेफिनेशन में बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से शो करते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 6.1 × 10^-13 ये इसके यूनिट कोलम है और ये मीटर है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाते हैं, उसकी एग्जांपल है, वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन की हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड द सेपरेशन बाय अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है कि जब भी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों की प्रोडक्ट हम लेते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है, डाइपोल मोमेंट आता है। अगर इसको हम देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला है इज इक्वल टू, ये क्यू है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डी इज अ सेपरेशन बिटवीन देम या कांस्टेंट डिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं। तो इन दोनों की प्रोडक्ट से हमारे पास जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली पेयर ऑफ अ चार्ज के दरमियान सेपरेशन फाइंड करने के लिए इस कंसेप्ट को हम ले सकते हैं। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विद इन अ सिस्टम। इट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी एंड इट्स अ डायरेक्शन फ्राम नेगेटिव चार्ज टू अ पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम शो करवाई हुई है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को हमने कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें, क्यू इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये चार्ज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि ये इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, ये वैक्टर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वैक्टर क्वान्टिटी आती है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर भी कि जब भी कभी हमारे पास स्केलर क्वान्टिटी और वैक्टर क्वान्टिटी को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट हमारे पास एक वैक्टर क्वान्टिटी आता है। तो ये डाइपोल मोमेंट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी, तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो आप गौर से इसको सुन लें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ये हमारा जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में था। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास जब कभी डाइपोल हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, उसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो तब वहाँ पे उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्सेस लगती हैं, वो मूव करता है और उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देने जा रहा हूँ ग्रेविटेशनल जो है एनर्जी की, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। लेट अस कंसीडर, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि कोई ना कोई उसका वेट है उसको स्पेस के अंदर लेके जाते हैं
तो एट एनी पॉइंट उसको प्लेस करते हैं, तो उस वक्त जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जब डाइपोल है, ये आपके पास एक डाइपोल है डायग्राम में दिखाया गया है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको डी इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया हुआ है, तो ये डाइपोल है। इस डाइपोल को हमने ये देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड इसकी डायरेक्शन है, ये इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यहाँ पे एटा थीटा एंगल जो है इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं थीटा एंगल के साथ इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो इसका मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट जो लिखी है, कंसीडर अ डाइपोल विद चार्जेस क्यू वन इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये क्यू वन चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, एंड क्यू टू इज अ नेगेटिव चार्ज, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि ये लाइन्स यहाँ पे शो कर रही हैं कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, शो इन अ फिगर द चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ कांस्टेंट डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, ये भी आपको यहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है फिगर के अंदर। द फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस इज गिवन बाय माइनस क्यू ई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करने से फोर्स लग रही है वो एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई है। आपको ये आइडिया है पहले से कि जब भी कभी किसी चार्ज पार्टिकल को, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जबकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही उसके ऊपर फोर्स लगती है, एज कैन बी सीन इन द फिगर, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास डाइपोल है, डाइपोल का लेट अस कंसीडर, ये इसका सेंटर पॉइंट है डाइपोल का, ये सेंटर पॉइंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फोर्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये लग रही है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ये लग रही है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, सेम मैग्नीट्यूड वाली फोर्स लग रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो तब यहाँ पे एक फोर्स लगने से यहाँ पे एक कपल जनरेट हो जाएगा और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। तो इसके इस तरह से जब ये मूव करेगा तो इस वक्त जो इसके अंदर एनर्जी होगी इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही ये हमारे पास जो फिगर है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जब इसके इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, ये वाली फोर्स पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे ये फोर्स लगेगी, ये रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। जब ये रिवॉल्व करेगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है। एज वी नो दैट व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ द चार्जेस एज अ होल डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स बट इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू टा विच कैन बी गिवन एज। इसका मतलब यहाँ पे है कि जब इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहे हैं तो ये जो डाइपोल है मूव करके अपनी जगह को चेंज करके कहीं और नहीं जा रहा, मतलब यहाँ से ये मूव करके यहाँ पे नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, लेकिन इसके अंदर एक रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, इसके ऊपर एक फोर्स पॉजिटिव के ऊपर फोर्स ये लग रही है, नेगेटिव के ऊपर फोर्स ये लग रही है। तो यहाँ पे जैसे कि ये लिखा हुआ है बोथ द चार्जेस एज होल डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, मतलब दोनों के ऊपर कंबाइन कोई फोर्स नहीं लगेगी, ऐसी फोर्स नहीं लगेगी जो कि उसको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से बाहर ले जाए, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर अलग-अलग इनके ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी जिसकी वजह से इनके अंदर एक रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, एक कपल प्रोड्यूस हो जाएगा, जो इनके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम यहाँ पे टार कहते हैं, और टार का जो फार्मूला है वो हमारे पास यहाँ पे है, टार इज इक्वल टू पी क्रॉस ई।
पी हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, और ई इज़ अ एक्सटर्नल फील्ड है, जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको हमने प्लेस किया हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब हम इस डाइपोल को इसके अंदर प्लेस कर रहे हैं तो इनिशियल इसका एंगल जो है वो थीटा है, लेकिन जैसे ही इसको इस तरह से करेंगे तो ये मूव करेगा, ऐसे मूव करके ये जो अलाइन होने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज मूव करके यहाँ पे चला जाएगा, तो ये जो डाइपोल है ये अलाइन हो जाएगा। तो इस वजह से जो जैसे हमने उसको पहले प्लेस किया उसका पहले कुछ ना कुछ एंगल जो है वो थीटा नॉट होगा, लेकिन उसके बाद उसका कुछ एंगल ऑन हो जाएगा, वो यहाँ पे हम देखते हैं। दिस स्टार को रोटेट द डाइपोल अनलेस इट इज प्लेस पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। अगर हम यहाँ पे उसको देखना चाहते हैं तो उसको जैसे ही फील्ड के अंदर रखते हैं, उसको हमने फील्ड के अंदर प्लेस करना है तो उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। इफ़ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल एंड अपोजिट टार्क इट न्यूट्रलाइज द अफेक्ट ऑफ दिस टार्क गिवन बाय टार्क एक्सटर्नल एंड इट रोटेट द डाइपोल फ्राम थीटा नॉट टू एन एंगल थीटा एट एन एंगुलर स्पीड विद। अच्छा, यहाँ पे जो बताई गई है बात कि अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस करें, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर एक रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे आ जाएगा जब इसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब हमारे पास ये जो डाइपोल है वो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ये जो डाइपोल है हमारे पास ये आ जाएगा, ये डाइपोल यहाँ पे आ गया। अब अगर हम इसको एक्सटर्नल टार्क प्रोड्यूस करते हैं, ये तो टार्क किसकी वजह से यहाँ पे आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टार्क की वजह से। अगर हम इसके ऊपर खुद से टार्क अप्लाई करते हैं तो इसको मूव करवा के यहाँ पे लेके आने के लिए हमें ए वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको हम मूव करवा सकते हैं बाय एक्सटर्नल वर्क, हम इसको मूव करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टार्क कैन बी गिवन एज। एक तो मैंने जैसे बताया कि जब भी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक रोटेशन प्रोड्यूस होती है, और उसकी वजह से वो जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में अलाइन हो जाता है। अगर हम उसके ऊपर खुद से एक टार्क प्रोड्यूस करें और वो टार्क प्रोड्यूस करें विद द हेल्प ऑफ वर्क डन, तो उसको हम जो है उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टार्क कैन बी गिवन बाय, इसको इस फार्मूले से हम यहाँ पे गिवन कर सकते हैं। दिस वन इज द वर्क डन, ये नेगेटिव है, ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन में जो है वो हमारे पास इनिशियल जो एंगल है थीटा नॉट है, थीटा नॉट इज़ अ ज़ीरो एंगल, ये जब वो हमारे पास डाइपोल अलाइन हुआ है, थीटा वन वो फाइनल एंगल है जहाँ तक हमने इसको मूव करवाना है, टार्क एक्सटर्नल जो हमने खुद से एक्सटर्नल टार्क प्रोड्यूस किया है, और ये जो इन द टर्म ऑफ थीटा है, मतलब ये जो टार्क है ये थीटा का फंक्शन है, और ये आगे डी थीटा इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टा है ये हमारे पास पी क्रॉस ई था, लेकिन इसकी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो साथ साइन थीटा आ जाता है और ये डी थीटा है। इसको हम यहाँ पे देखें, पी हमारे पास जो डाइपोल है मोमेंट है, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ये इंटीग्रेशन से शुरू में आ जाएंगे, साइन थीटा की इंटीग्रेशन ली है तो हमारे पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा के ऊपर जब हमने ये इनिशियल और फाइनल लिमिट अप्लाई की है तो कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन आ जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने तो यहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल हमने फाइंड करना है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको डेल्टा यू से डिनोट करते हैं, और वर्क डन और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका रिलेशन आपस में ये है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। डेल्टा यू अब किसके इक्वल है, यू आई माइनस यू एफ, यू आई इज़ अ इनिशियल पोटेंशियल, यू एफ इज़ अ फाइनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन।
यहाँ पे ये जो नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा साइन। अच्छा, इस नेगेटिव को जब हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, मतलब यहाँ पे भी एक जो है ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है। इस नेगेटिव को जब रिमूव करते हैं तो इस साइड पे नेगेटिव आ जाएगा, तो वी एफ शुरू में आ जाएगा और वी आई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू वर्क डन। एज वी नो दैट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ सिस्टम ऑफ अ चार्जिज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन कन्फिग्रेशन इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हेंस द पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा थीटा कैन बी एसोसिएटेड टू द इंक्लिनेशन थीटा फॉर डाइपोल यूजिंग द अबव रिलेशन। यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि जब कभी हमें ये जो डाइपोल है, ये इसको हमने प्लेस किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, लेकिन अगर हम इस डाइपोल को किसी एक्सटर्नल आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लेके आते हैं, तो आउटसाइड लेट अस कंसीडर इस प्लेस के ऊपर यहाँ पे किसी किस्म का, इस जगह पे किसी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इस डाइपोल को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, तो दिस वन इज़ अ इनिशियल पॉइंट, दिस वन इज़ अ फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट के ऊपर किसी किस्म का पोटेंशियल नहीं होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है। इन्फिनिटी पॉइंट से हम इसको उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो फिर हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि जब कभी हम एक्सटर्नल जो है वो फील्ड से या किसी इन्फिनिटी पॉइंट से उसको लेके आते हैं, तो तब हमारे पास इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है ये ज़ीरो ज़ीरो होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल है, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फिनिटी पॉइंट है, इस वजह से ये पोटेंशियल ज़ीरो, यहाँ पर ये पोटेंशियल जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। इस यू एफ को हम इन टर्म ऑफ यू थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये वर्क डन है, वर्क डन की अबव इक्वेशन से ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो हमारे पास ये जो है वो आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब हम कभी भी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड से उठा के जो है वो फील्ड के अंदर लेके आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में हमारे पास थीटा है, हमें पता है थीटा मैक्सिमम होता है ज़ीरो एंगल पे, थीटा मिनिमम होता है 90 एंगल पे। यहाँ पे लिखा फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन सी दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज़ ज़ीरो। वो कह रहा है कि जब कभी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर आप रखते हैं, तो जो उसका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो ज़ीरो उस वक्त होता है व्हेन द एंगल थीटा इज़ इक्वल टू 90 और व्हेन द डाइपोल मेक एन एंगल ऑफ 90। उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होती है जब हमारे पास थीटा 90 होता है। यहाँ पे भी काज है, यहाँ पे भी काज है। अगर आप थीटा इन दोनों में से कहीं पे भी आप 90 लगाते हैं, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 लगाएं, तो काज 90 ज़ीरो होता है, तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो वो इसने लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजिशन थीटा, अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जनरलाइज फार्मूला देखना चाहते हैं, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी ई कास थीटा माइनस कास 90। लेट अस कंसीडर हमारे पास जो इसका इनिशियल एंगल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हमने डाइपोल को मूव करवाया था, ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है जहाँ पर वो डाइपोल को ले गए थे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इनिशियल है थीटा माइनस ये कास 90, तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनल, अगर फाइनली 90 का एंगल हो तो ये कास 90 ज़ीरो की कुल होता है, तो इसकी जगह पे ज़ीरो हमने लगाया। इसको मोर जनरल फॉर्म में लेके आने के लिए हमने ये किया है, यू थीटा इज़ इक्वल टू माइनस पी ई ऐसे आ गया, कास ऑफ थीटा ऐसे आ गया। अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगर आप यहाँ पे काज लेते हैं तो काज को ख़त्म करें तो हमें पता है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाती है। तो ये हमारे पास जो इसका जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो यू थीटा इज़ इक्वल टू माइनस
पी डॉट ई है, मतलब हमारे पास अगर कभी भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखना है डाइपोल की, तो वो डॉट प्रोडक्ट होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है हमारे पास डाइपोल मोमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं उस डाइपोल मोमेंट की, तो पहले उसका किसी ना किसी एंगल के ऊपर उसको प्लेस करते हैं तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे उसको छोड़ देंगे तो वो मूव करके लोअर पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा, और जब उसका एंगल ज़ीरो हो जाएगा तो उस वक्त उसका पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा। ज़ीरो एंगल के ऊपर उसका पोटेंशियल मिनिमम है। अगर आप कॉस थीटा यहाँ पर भी ज़ीरो लगाते हैं तो कॉस ज़ीरो जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ऑफ अ डाइपोल, इसका फार्मूला माइनस पी डॉट ई है। माइनस का मैंने बता दिया कि जब भी इसको प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर प्लेस करने से जब इसको प्लेस करते हैं तो ये मूव करके लोअर पोटेंशियल की तरफ आ जाता है, इस वजह से इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि पोटेंशियल मैक्सिमम कब होता है, पोटेंशियल मिनिमम कब होता है। मिनिमम पोटेंशियल जो है इसको डिफाइन किया है इस तरह से, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर पैरेलल। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल मोमेंट है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, पैरेलल होने के केस में हमारे पास थीटा जो है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, तो उस वक्त इसका फार्मूला ये है, और इसको हम यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का हम नाम देते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जब कभी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 का एंगल होगा, 90 का एंगल उस वक्त होता है जब वो एंटी पैरेलल होते हैं, तो उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। जी, ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको किसी भी किस्म की आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट में मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, आज के लिए यही है। अल्लाह हाफिज़।